अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मुदारबा एंड मुशारका। मुशारका और मुदारबा में क्या फ़र्क होता है, इसके डिफरेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं मुशारका और मुदारबा होता क्या है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि बिज़नेस को रन करना चाहता है, बिज़नेस चलाना चाहता है, लेकिन सिर्फ बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 20% पैसा है। सो वो क्या करेगा, वो एक इन्वेस्टर के पास जाएगा, एक इन्वेस्टर ढूंढेगा उसके पास जाएगा जो कि बिज़नेस में बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर सके। सो वो पार्टनर उसको अपना पार्टनर बना लेगा जो कि बिज़नेस में 80% इन्वेस्ट करेगा। पार्टनर ए 20% इन्वेस्ट करेगा, पार्टनर भी 80% इन्वेस्ट करेगा और ये मुशारका मीन्स के पार्टनरशिप कर लेंगे। दूसरी तरफ मुदारबा में क्या होता है, मुदारबा में एक जो बंदा होता है, एक पार्टनर जो होता है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो भी बिज़नेस में एसेट्स आएंगे और जो मशीनरी आएगी वो सारा जो है वो उसके लिए कैपिटल जो है वो रबुल माल देता है। उसके अलावा जो है सारा मैनेजरियल वर्क है, स्किल्स हो गए, लेबर्स हो गए, वो सारा जो है वो मुदारिब करता है, वो पार्टनर भी करता है। इस तरह से एक का कैपिटल होता है और एक की मैनेजरियल एफर्ट होती है, वो दोनों मिल के जो है ना वो काम करते हैं और इस तरह से हमारा मुदारबा का स्ट्रक्चर कम्प्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि मुशारका और मुदारबा में डिफरेंस क्या होता है। मुशारका जो होती है वो इक्विटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तमाम पार्टनर जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो एक इक्विटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बेशक जितने परसेंट में इन्वेस्ट करें लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुदारबा जो है वो पैसिव पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसिव मतलब जिसमें एक बंदा जो है वो इन्वेस्ट करता है, मतलब एक बंदा इन्वेस्ट करता है और दूसरा बंदा जो है वो सारा मैनेजरियल वर्क करता है। सो इस तरह से इक्विटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पैसिव पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मुशारका में ऑल पार्टनर इन्वेस्ट, सारे पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मुदारबा में ओनली रबुल माल इन्वेस्ट, सिर्फ रबुल माल जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मुदारिब नहीं करता। थर्ड इसका पॉइंट आ जाएगा, ऑल द पार्टनर पार्टिसिपेटिंग मैनेजरियल वर्क, मुशारका में तमाम पार्टनर जो है वो मैनेजरियल वर्क करते हैं, सारा मैनेजमेंट का काम करते हैं मिलकर। मगर मुदारबा में क्या होता है, ओनली मुदारिब इन्वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ मुदारिब जो है वो जो मैनेजमेंट का सारा काम है वही मुदारिब ही करता है, रबुलमान नहीं करता। फोर्थ क्या होगा, ऑल पार्टनर शेयर लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, तमाम पार्टनर्स जो है इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, मतलब जिसने 20% की हो, 30% की हो, 50% की हो, उस लिहाज से ही वो लॉस बेयर करेंगे, उतना ही लॉस जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन मुदारबा में क्या होता है, ओनली रबुल माल बेयर लॉस, द कंडीशन इज ओनली दैट मुदारिब नेग्लिजेंस दैट हैज़ टू सफर लॉस, ठीक है, सिर्फ रबुल माल को जो ही जो है वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, मुदारिब को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुदारिब की नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी गलती की वजह से जो कोई बिजनेस को लॉस हुआ, सो मुदारिब को लॉस बेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, मुशारका में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और मुदारबा में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर बिज़नेस जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो बैंक क्या करता है, उस बिज़नेस के सारे जो एसेट्स हैं ना वो बेच देता है और उससे अपने पैसे पूरे करता है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि अगर बैंक उनके सारे बिज़नेस के एसेट्स बेच दे और फिर भी पैसे पूरे ना हो, तो बैंक जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं ना उनकी पर्सनल चीज़ें, मतलब गाड़ी हो गया, घर हो गया, उनको बेच के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। All the partner decide that no one take debt. So if any partner take debt and their liabilities increase because of this, so that partner has to cover that. अगर तमाम partners ने decide किया है कि कोई भी business में कर्जा नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो एक बंदा कर्जा ले लेता है और इसकी वजह से बिज़नेस के पूरे बिज़नेस पे कर्जा बढ़ जाता है, तो सिर्फ उसी बंदे को, उसी पार्टनर को जो है वो कर्ज़ा अदा करना होगा, क्योंकि उसने अकेले ने जो है वो डेप्ट लिया था। दूसरा जो है वो मुदारबा में जो होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर वो डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है ना बिज़नेस, तो जितना रबुल माल ने जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, सिर्फ उतना ही उसे लॉस होगा, अनलेस ही हैज़ परमिटेड मुदारबा टू इनक्योर डेट ऑन हिज बिहाफ। लेकिन बाद ऐसा होता है कि मुदारबा में कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जो रबुल माल होता है वो परमिशन दे देता है कि अगर जो है वो पैसे पूरे ना कर पाए तो मुदारिब जो है वो उसके बिहाफ पे जो है वो पैसे पूरे कर देगा। सिक्स पॉइंट हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन मनी एंड इन मॉनेटरी फॉर्म। मुशारका में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसों की फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और मॉनेटरी फॉर्म में हो सकती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की फॉर्म में हो गई, प्लांट की फॉर्म में हो गई, मशीनरी की फॉर्म में हो गई। सो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से हो सकती है। लेकिन मुदारबा में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश की फॉर्म में ही होना ज़रूरी है मुदारबा में। इसका सेवन पॉइंट क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज ऑल द पार्टनर कैन क्लेम इंक्रीज ऑन शेयर,
ठीक है, अगर शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्योंकि तमाम पार्टनर्स जो हैं वो मिश्राता में इन्वेस्ट करते हैं, बेशक वो जितना परसेंट भी इन्वेस्ट करें लेकिन तमाम पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो तमाम पार्टनर जो है वो शेयर की वैल्यू पे जो इंक्रीज आया है उस पे क्लेम कर सकते हैं, उनका राइट है कि जो है वो उस उसको अगर वो बेचें तो उनको उसका उस पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुदारबा में क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज ओनली रबुल माल कैन क्लेम इंक्रीज ऑन शेयर, ठीक है। अगर मुदारबा में शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि रबुल माल ही जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो सिर्फ वो ही शेयर पे जो है वो अपना क्लेम कर सकता है कि उसका राइट है कि वो जो अपने शेयर को अगर वो बेचे तो उसको ज़्यादा उसके पैसे मिले। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।